ग्वालियर जिला प्रशासन ने बस स्टैंड के बाहर लीज खत्म हो चुके 9 दुकानों के जमीन दोस्त कर दिया। दुकानदार लीज खत्म होने के बाद और नोटिस देने के बाद भी दुकान खाली नहीं कर रहे थे। इसके बाद जिला प्रशासन भारी पुलिस बल के साथ रोडवेज बस स्टैंड पर पहुंचा और दुकानों को जमीन दोस्त कर दिया। वहीं कार्रवाई के दौरान आम आदमी पार्टी के 50 से अधिक कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने प्रशासन की कार्रवाई का विरोध करते हुए हंगामा किया। उसके बाद भी प्रशासन की कार्रवाई नहीं रुकी। ये एक्चुअली में इन्होंने लीज निरस्त कर दी, किसी दूसरी पार्टी को भेजी है पीछे जगह पूरी, और वो भी कलेक्टर गाइडलाइन से कम रेट पे, किसी को फायदा पहुंचाने की कोशिश की। भाई तो शासकीय भूमि पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की जा रही है, आप देख ही रहे हैं। रोडवेज की जमीन मध्य प्रदेश शासन की जमीन थी, इनका लीज निरस्त हो गया, इसलिए तोड़फोड़ की कार्रवाई। 10 दुकानें, 10 में से एक में अभी स्टे है, उसको नहीं तोड़ा जा रहा है, बाकी में नहीं है, तोड़ रहे हैं। लेकिन अभी जैसे हमें भोपाल से भी काफ़ी जगहों से ये नोटिस आया है कि ये कोर्ट का ऑर्डर की पालन नहीं हो रही है, इसलिए आज हमने निर्णय लिया है कि हम आज ये जो कोर्ट का ऑर्डर है उसका पालन होगा और इनको जो भी सामान हटाने का सहयोग है वो हम जितना हो पाए कानूनी तौर से करेंगे।